Okay, so let's start. In the previous class, we learned about the how can you rename the file or the folder, how can you create the different folders in your computer. Right, next is the creating copies of files and the folders. Now, how can you copy the file and folder? You can see here there are, I have a different files and different folders here. Right, so you can create like this, different files, different folders also. I have a one folder that is name is grade 3. You can see here name is the grade 3 here. Okay, so this is of my folder which have a 2. Yes? Ma'am, मैं अभी join to it, आपने कुछ लिखवाया है? नहीं, मैंने कुछ नहीं लिखवाया. Okay, ma'am. Okay, so here there is a file of one class 3 that the name is, the folder name is the grade 3, and that folder have a two files. First is the video file and second is the presentation file. So two files I have in this folder. Even I have a different file on the desktop. This is the PDF file, this is the text file, this is the video file, image file. Some of that are the image file. This is a web page. Means I have a different type of files and folders over here. Your computer, your PC, your laptop also have a different files and folders on the screen. Right? So now we are going to learn about how can you create the copy of file and folder. You want to copy this one folder. आपको ऐसा ही सेम एक दूसरा फोल्डर बनाना है. सेम अगर आपका डेस्कटॉप पे हो तो डेस्कटॉप पे, या फिर आपके जो माई कंप्यूटर है, ये रहा आपका फाइल मैनेजर, उसमें भी फोल्डर्स हो सकते हैं. राइट, सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ लोकल डिस्क एंड डी एंड इट हैव अ वन फोल्डर ऑल्सो. सो हाउ कैन यू कॉपी दिस? फॉर एग्जाम्पल ग्रेड 3 जो है इसकी कॉपी मुझे लेनी है यहाँ पे डी ड्राइव में, दिस वन ड्राइव. तो अब मैं क्या करूंगी, आपको कॉपी लेने के लिए सबसे पहले उसको राइट क्लिक करना है. यू कैन सी द ऑप्शन हियर कॉपी. कॉपी करनी है तो उसके लिए आप ये यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉपी. अदरवाइज यू कैन टेक अदर वन नेम इज द कंट्रोल प्लस सी, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस सी. कंट्रोल और सी को साथ में प्रेस करोगे तो आपको डायरेक्टली कॉपी हो जाएगा. ये रहा कंट्रोल प्लस सी. यू कैन कॉपी एनी फाइल विथ यूज ऑफ द कंट्रोल प्लस सी. सो अगेन आई एम ओपनिंग द डी ड्राइव. यहाँ पे मुझे कॉपी करना है तो कॉपी कैसे करोगे? देर आर थ्री वेज ऑफ कॉपी. फर्स्ट राइट क्लिक करो, पेस्ट ये रहा उस पर क्लिक करो. यस यदुवीर, व्हाट हैपेंड? सेकेंड ऑप्शन इज दैट हियर इज ऑल्सो ऑप्शन इज अवेलेबल पेस्ट. यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है पेस्ट. आप पेस्ट पे क्लिक करोगे तो वो फाइल यहाँ पे कॉपी हो जाएगी. थर्ड ऑप्शन इज दैट प्रेस कंट्रोल प्लस वी. यहाँ पे लिखा हुआ है पेस्ट करने के लिए कंट्रोल और प्लस वी. सो आई एम चूजिंग दिस वन पेस्ट. तो यहाँ पे पूरा जो फोल्डर होगा वो कॉपी होकर आप उसको ओपन करके देखोगे तो वही दो फाइल आपको यहाँ पे दिखाई देगी. So this is another way to that how can you copy a files and folder. We are copying the folder. Now if you want to copy any file, आपको कोई file copy करनी हो तब भी आप कर सकते हो. This is a one image file. यहाँ पे आपको दिख रहा है class 3, वो एक image file है, GIF है. तो उस पर आपको right click करना है, copy का option ये रहा, या फिर आप कंट्रोल सी करो उस फाइल को सिलेक्ट करके. मैंने किया कंट्रोल सी, आई एम प्रेसिंग कंट्रोल सी, ओपनिंग अगेन डी ड्राइव, ग्रेड 3 ओपन किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन है, आई एम पेस्टिंग इट. सो यू कैन सी दैट फाइल विल बी कॉपीड हियर. यहाँ पे फाइल कॉपी हो गई है. सो यू, दिस इज वे दैट हाउ कैन यू कॉपी अ फाइल और द फोल्डर. आप किसी भी फाइल और फोल्डर को कहीं पे भी कॉपी कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस. नेक्स्ट इज दैट मूविंग फाइल्स एंड फोल्डर्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर दैट इन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 19 दिस टास्क विल बी गिवन टू यू. सो यू हैव टू बी परफॉर्म दिस टास्क.
copy your file or folder from any other folder on computer and paste it in your folder you had created as grade 3 your name. आपको आपने जो मैंने लास्ट टाइम जो आपको टास्क दिया था कि आपको एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम होगा ग्रेड 3 योर नेम मतलब आपका नाम आप ऐसे तरह का फोल्डर बनाना है और उस फोल्डर को आपको कहीं दूसरी जगह पे कॉपी करना है. नेक्स्ट इज द मूविंग फाइल्स एंड द फोल्डर्स. व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स वी मे नीड टू मूव one or more files or even an entire folder from one location to another on the computer. Move का मतलब होना shift करना, एक जगह से दूसरी जगह पे उसको shift करना, वहाँ से delete कर देना. For example, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक file है class 3, ये वाले एक image वाले file है. मुझे यहाँ से यहाँ नहीं चाहिए, इस folder में नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे दूसरा folder में बना रही हूँ इमेज करके इस वाले फोल्डर में चाहिए. तो अब मैं क्या करूंगी, मैं ये वाली फाइल यहाँ पे डायरेक्टली मूव कर सकती हूँ और उसको यहाँ से परमानेंटली हटा सकती हूँ. मतलब जब मैं उसको कट मूव करूंगी तब ये वाली फाइल जो है इसमें दिखेगी, ना कि ग्रेड 3 वाले फोल्डर में. मैं यहाँ से ये वाला फोल्डर डिलीट कर रही हूँ अभी के लिए और ये फोल्डर बना रही हूँ यहाँ पे न्यू फोल्डर इमेज, राइट. अब मुझे क्या करना है, ये वाली जो फाइल है उसको कॉपी करनी है, राइट. इसको कॉपी करके मुझे रखना है बाहर जो हमारा फोल्डर है वहां पे. ये रहा हमारा फोल्डर इमेज, वहां पे हमें कॉपी करना है. सॉरी, मैंने किया राइट क्लिक. सब कुछ आप सारे ऑप्शन जो है वो आपको राइट क्लिक पे ही मिलेंगे. अभी मुझे करना है मूव. पहले मैंने किया था कॉपी, तो उसके लिए मैंने चूज किया कॉपी ऑप्शन. बट नाउ आई वांट टू मूव द फाइल, सो आई हैव टू चूज द कट ऑप्शन. कट ऑप्शन मींस अप मूव होना, फाइल फोल्डर मूव हो जाएगा. क्लिक ऑन द कट, तो वो आप देख पाओगे कि वो थोड़ा उसका कलर जो है वो लाइट हो गया है. तो अब आप क्या करोगे, इमेज वाला फोल्डर ओपन करोगे, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन है, क्लिक करोगे तो वो फाइल यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी. बट आपको चेक करना पड़ेगा कि वहां पे वो फाइल है कि नहीं है. तो आप देख सकते हो वो इमेज वाली फाइल यहाँ से डिलीट हो गई है, मतलब वो डायरेक्ट यहाँ से वहां मूव हो जाएगी. दैट इज कॉल्ड द मूविंग ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू कैन ओनली मूव फाइल एंड फोल्डर ओवर हियर. नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू मूव दिस वन, वन इमेज नंबर नेम इज द वन इन टू दिस वन. मुझे ये इमेज जो है यहाँ पे मूव करनी है. तो फर्स्ट ऑप्शन हमने देखा राइट क्लिक करके कट वाला, और यू कैन आल्सो से दैट कंट्रोल एक्स. आप उसके लिए शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल एक्स. पेस्ट के लिए आपने मैंने आगे बताया कंट्रोल वी. कट के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एक्स. फर्स्ट वे इज द सिंपली कट वन, राइट क्लिक करके कट पे क्लिक करो. सेकेंड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एक्स. थर्ड ऑप्शन आई एम गोइंग टू शो यू एंड दैट इज अ वेरी इजी. आपको उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. प्लीज एवरीवन सी प्रॉपरली. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना है लेफ्ट क्लिक. लेफ्ट क्लिक किया, फिर आपको लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और उसको इस तरह से मूव करना है. आप देख सकते हो वो मूव हो रहा है, राइट. जैसे ही ऐसा ऑप्शन आए मूव टू इमेज, मतलब फोल्डर का नाम आएगा, लीव द बटन. जब तक ऐसा ऑप्शन नहीं आता तब तक आप अपना लेफ्ट बटन प्रेस करके रखोगे. आई एम डूइंग दिस थिंग अगेन, आई एम मूविंग दिस वन फाइल. प्रेस किया मैंने लेफ्ट बटन को, उसको मूव करती रही, ड्रैग करती रही, तो यहाँ पे मैं ले जा रही हूँ. ऑप्शन आया मूव टू इमेज देन लीव योर लेफ्ट बटन, तो वो वहां पे अंदर एंटर हो जाएगा. ये रहा वन इमेज, ये रहा फाइल. So like that you can move any file or folders, right? Again, अगर आपको वही चीज फोल्डर में से बाहर लानी है, मैंने ये वाली मूव की थी, तो मुझे ये वाले फाइल जो है फोल्डर में से बाहर लानी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ऑप्शन इज कट, यहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर राइट क्लिक करो, कट का ऑप्शन है, या फिर आप करोगे कंट्रोल प्लस एक्स, तो वो इमेज जो होगी, वो फाइल जो होगी, वो थोड़ी लाइट हो जाएगी.
राइट क्लिक किया, पेस्ट किया, आ गई वापस से इमेज, ये रही वन वाली इमेज, मैं उसको वापस से रख रही हूँ। सेकेंड, अगर मुझे ये वापस से बाहर लानी है तो सेम आप कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप का, उसको क्लिक करो, उसको लाओ डेस्कटॉप पे, ऑप्शन आया मूव टू डेस्कटॉप, लीव द कर्सर, तो आपका क्या होगा यहाँ पे वो वाली फाइल कॉपी हो जाएगी, वो वाली फाइल यहाँ पे मूव हो जाएगी, राइट, जो पहले था मैंने वापस से वही सेम एज इट इज कर दिया। सो दिस इज द वे हाउ कैन यू मूव योर फाइल्स एंड फोल्डर्स। नेक्स्ट इज द डिलीट द फाइल्स एंड फोल्डर्स। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ऑलरेडी दिस इमेज, आई डोंट वॉन्ट दिस इमेज, मेरे पास ऑलरेडी इमेज है ही, मुझे ये वाली इमेज नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, राइट क्लिक करो, डिलीट का ऑप्शन आता है, सिंपल उस पर क्लिक करो तो डिलीट हो जाए, राइट, मैंने बैक किया, अभी मुझे ये फोल्डर भी नहीं चाहिए, राइट क्लिक करो, डिलीट पे क्लिक करो, फोल्डर भी डिलीट हो जाएगा। Anyone can tell me that how can we retrieve all the files that we deleted? हम सभी फाइल को वापस से कैसे retrieve कर सकते हैं अगर हमने फाइल डिलीट कर दी हो तो, या फिर हम फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ, हम फाइल को डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है या फिर हमारे कंप्यूटर में किसी जगह पे सेव रहती है, ये क्लास टू में भी सीखा आपने। अभी क्लास, प्लीज म्यूट योर सेल्फ इफ यू डोंट नो द आंसर, अभी हमने क्लास थ्री में करंटली सीखा है कि अगर आपकी फाइल डिलीट हो जाती है तो वो कहीं पे सेव रहती है, डिलीट हो जाने के बाद वो कंप्यूटर में डायरेक्टली डिलीट नहीं हो जाती। Yes, recycle bin. Yes, very good. Recycle bin. Recycle bin. Okay, everyone knows it will be save on the recycle bin. यहाँ पे मेरे पास recycle bin है, ये रहा, मैं उसको open कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये रहा हमारा folder, this one. तो you can retrieve again. तो आप यहाँ पे ये रहा recycle, restore the item. Sorry, restore the selected item. तो क्या होगा, वो जो सिलेक्ट मैंने की थी वो वापस से डेस्कटॉप पे आ जाएगी, ये रहा इमेज वाला फोल्डर जो मैंने डिलीट कर दिया था, वो वापस आप रिसाइकल बिन में से रिट्राइव कर सकते हो। सेम मैंने एक फाइल भी डिलीट की थी वन क्लास थ्री वाली, ये रही, मुझे वापस से वो भी रिट्राइव करनी है तो मैं क्या करूंगी, रिस्टोर द सिलेक्टेड आइटम। अभी हम वापस इसमें देखेंगे कि वो वाली फाइल आई कि नहीं, यू कैन सी दैट इट विल बी रिट्राइव अगेन। सो दिस वे यू कैन, अगर आपके गलती से डिलीट हो जाती है फाइल तो आप रिसाइकल बिन में जाके उसको वापस से वही प्लेस पे रिट्राइव कर सकते हो। और वे ऑफ रिट्राइविंग एनी फाइल एंड फोल्डर दैट विल बी डिलीटेड बाय यू बाय मिस्टेक, रिस्टोर द फाइल। But for example, I don't want this file again. मुझे ये वाली फाइल चाहिए ही नहीं, तो उसके लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे डिलीट नहीं करोगे, उसके लिए आप शिफ्ट बटन जो होता है आपके कीबोर्ड में, शिफ्ट और डिलीट दो बटन होते हैं, दोनों को आपको साथ में प्रेस करना है तो वो डिलीट हो जाएगी फाइल, शिफ्ट डिलीट। सो इट विल बी शो यू द वन ऑप्शन, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू परमानेंट डिलीट दिस फाइल, वो आपको इस तरह से ऑप्शन दिखाएगा अगर आप शिफ्ट और डिलीट साथ में प्रेस करते हो तो। शिफ्ट डिलीट जब आप साथ में प्रेस करते हो तो आपको एक मैसेज पास करेगा कि आपको ये परमानेंटली डिलीट करनी है कि नहीं करनी है। वेन एवर यू प्रेस यस इट विल बी डिलीटेड परमानेंटली फ्रॉम योर कंप्यूटर, वो आपको नहीं मिलेगी आपके रिसाइकल बिन में भी। इमेज का नाम था ग्रेड थ्री, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रेड थ्री इमेज आपको दिख ही नहीं रही, राइट। इन दिस वे यू कैन डिलीट एनी फाइल और फोल्डर परमानेंटली। मैं ये वाला जो है इसका पहले रीनेम करूंगी माई फोल्डर, अब मैं उसको डिलीट भी करूंगी, माई फोल्डर मैंने कर दिया, अब मैं उसको परमानेंटली डिलीट करने जा रही हूं। तो कैसे करेंगे, शिफ्ट और डिलीट कीबोर्ड का यूज करके, शिफ्ट और डिलीट दोनों को साथ में प्रेस करना है तो ऑप्शन आएगा आर यू श्योर टू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फोल्डर, आपको ये फोल्डर परमानेंटली डिलीट करना है। व्हेनेवर यू प्रेस यस
इट विल बी डिलीटेड परमानेंटली। आप देख सकते हो माई फोल्डर जो था मैंने पहले किया था डिलीट, लेकिन वो रिसाइकल बिन में दिखा रहा था, बट अब मैंने जब शिफ्ट और डिलीट को साथ में प्रेस किया तो अब वो रिसाइकल बिन में भी नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर आपको कोई फाइल परमानेंटली डिलीट करनी हो तो आप शिफ्ट और डिलीट को साथ में प्रेस करोगे, राइट? So, this is the second task for you on the page number 22 in the textbook. Create 3-4 folders on the D drive of your computer with meaningful names. आपको क्या करना है, 3-4 फोल्डर बनाने हैं D drive में, मतलब कि आपको खोलना है माई कंप्यूटर, दिस पीसी आपको ओपन करना है, यहाँ पे D drive आपको दिखा ही देगा, सबके पीसी में आएगा, राइट? Then you have to create 3 or 4 folders. आपको 3-4 folder बनाने हैं. Organize the existing files saved with you on your computer by moving them into the newly created folders. फिर आपको क्या करना है, आपकी files को, आपके पास computer में भी files होगी तो वो files को आपको ये जो 3-4 आपने folder बनाए हैं उसमें move करना है. That's it. This is your task. 2 tasks I gave. One is the on the page number 19, एक था आपके पेज नंबर 19 पे, दूसरा है आपके पेज नंबर 22 पे, राइट? दोनों टास्क आपको कंप्लीट करने हैं. ओके, सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दिस थिंग, द फाइल्स एंड फोल्डर चैप्टर नंबर 2 इज द फाइल एंड फोल्डर. दिस विल बी नॉट आस्क्ड इन योर एग्जाम, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला. I learned this thing because it's a common. ये बहुत ही common है, इसलिए मैंने आपको सिखाया. क्योंकि जब आपको computer use करना हो तो ये basic चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आप 5th में आए लेकिन आपको file folder ही पता नहीं है क्या है, तो उसका कोई meaning नहीं है. इसलिए ये वाला chapter मैंने सिखाया, ये exam में नहीं आने वाला है. I am again repeating this thing. Do not ask me again, ma'am, why are you not solving the exercise of this? मैंने इसलिए ये chapter सिखाया है ताकि आपको पता चले कि file क्या है, folder क्या है. Even आपको move करना हो, copy करना हो, file बनानी हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनानी है, right? That's why I am teaching you this one of chapter files and folders. I am just hoping that you are understanding this one. What is file? What is folder? How can you create a file? How can you create a folder? How can you move the files? How can you move the folders? Shortcut is for the copy is what? Shortcut for the cut is what? Shortcut for the paste. सारे शॉर्टकट भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये रेगुलरली यूज होने वाली चीजें हैं. आप इसको ये रेगुलरली चीजें यूज होने वाली है, इसलिए मैंने ये वाला चैप्टर आपको सिखाया है. बाकी ये चैप्टर जो है वो एग्जाम में नहीं आने वाला है. ओके, अंडरस्टूड दिस पॉइंट? सो वी आर नॉट टीचिंग दिस, वी आर नॉट लर्निंग दिस चैप्टर. ये था जो बेसिक था जो मैंने सिखाया आपको. आपको बेसिक सिखाना जरूरी था कि क्या है फाइल फोल्डर क्या है, क्योंकि बाकी जब हम नेक्स्ट चैप्टर सीखेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो. सो दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग दिस वन चैप्टर्स टू यू. अंडरस्टूड माय पॉइंट? यस मैम. ओके, डू प्रैक्टिस फॉर दिस. फाइल क्या है, फोल्डर क्या है, उसको अच्छे से समझो, उसकी कॉपी बनाओ, फाइल्स बनाओ, फोल्डर्स बनाओ अपने कंप्यूटर में, ताकि आपको पता चले और आप अपने फ्यूचर में भी यूज कर पाओ. इवन यू कैन ऑल्सो टेल योर पेरेंट दैट वी कैन क्रिएट अ फोल्डर्स लाइक दिस. आप अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हो कि हम इस तरह से फोल्डर बना के हमारे कंप्यूटर को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. So your parent will be happy from you if you are doing this, right? Yes. Okay.